मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में जकरियस स्वर्गदूत गैब्रियल के बातों व संतय कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि मैं इस पर कैसे विश्वास करूं, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, मेरे पत्नी भी बूढ़ा बूढ़ी हो चली है। आज प्रभु के सान्निध्य में रहते समय उन्हें जकरियस की जिंदगी की ओर देख लीजिए। जकरियस एक धार्मिक थे और निर्दोष आचरण करने वाले व्यक्ति थे। प्रभु के नियमों का, उनके हर एक संहिताओं का विधिवत पालन करने वाले व्यक्ति थे। इन सब कुछ के बावजूद भी उन्हीं के जिंदगी में वो प्रभु के वचनों पर अविश्वास कर रहे हैं। फिर से उन्हीं का माहौल देख लीजिए। वो मंदिर में था, प्रार्थना करने के लिए गया था, वो मंदिर गर्भ में अति विशिष्ट स्थान में रहता था। उन्हीं से बातें करने वाला व्यक्ति एक स्वर्गदूत था। वो लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु के सन्निधि में समर्पित करने वाला व्यक्ति था। वो धूप वेदी के सामने खड़ा था, वो प्रभु को धूप अर्पित कर रहे थे। इतने अच्छे श्रेष्ठतर कार्य करने के बावजूद भी ईश्वर के वचनों पर वो अविश्वास किया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में भी हम कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हम कितने भी अच्छे कार्य न कर रखे हो, हम कितने अच्छे माहौल में पलते पोसते आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो, हम कितने भी पुण्य के कार्य करते हुए अपने जिंदगी में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो, हमारे जिंदगी में भी कभी न कभी अविश्वास करने का मौका आ सकते हैं। ईश्वर की योजना पर उन्हीं वचनों पर अविश्वास करने का मौका हमारे जिंदगी में भी आ सकते हैं। जकरियस पूरे जिंदगी बूढ़ा होने तक हर नियमों का हर कार्यों पर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी अगर उनके जिंदगी में अविश्वासी बना है, तो हमारा जीवन में भी हम भी कभी कभी अविश्वासी होने का मौका आएगी। इसलिए हमें अपने विश्वास में सुदृढ़ बना कर रखना है, अपने आप को विश्वास में सुदृढ़ बना कर रखना है। ऐसे हम सुदृढ़ बना कर रखते समय हमारा जिंदगी में प्रभु का आशीष हम पर हरदम बरसाएगा, प्रभु का वचनों का पूर्ति होगा। क्योंकि देवदूत गैब्रियल बोले कि जो कार्य में बताया है उन्हीं के समय पर पूरा होगा। प्रभु का वचन का कभी चेंज नहीं होगा, प्रभु का वचन उन्हीं के समय पर पूरा हो जाएंगे। परंतु जो अविश्वास करते हैं उन्हीं लोगों को दंड मिलता है। इब्रानियों के नाम पत्र में 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु जिन्हें वो प्यार करता है उन्हें दंड देता है, उन्हीं को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हीं का अनुशासित करने के लिए। वहां पर जकरियस को दंड देके उन्हीं को अनुशासित कर रहे हैं, उन्हीं को विश्वास में खरा उतरने के लिए एक मौका प्रदान कर रहे हैं और विश्वास करते हुए आगे बढ़े पर उनके जिंदगी में आशीष बरसा रहे प्रभु ने। आज हमारे जिंदगी में भी हमारे विश्वास में कतई संते किए बिना ईश्वरीय वचनों पर विश्वास करते हुए उन्हीं के योजना के मुताबिक अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम सब मिलकर के कोशिश करें। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करें। सब जी सुन।